अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दावत अल-अज़ीज़ विद सुल्ताना। आज हम बनाते हैं चीज़ी गार्लिक ब्रेड। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं गुनगुना पानी। इसमें हम ऐड करते हैं हाफ स्पून शुगर और 1 स्पून ड्राई यीस्ट। इसको हम 15 मिनट्स तक ढक के रखते हैं और इसको एक्टिवेट होने तक वेट करते हैं। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। अब देख सकते हो कितने अच्छे से रेज हो चुका है। चलिए अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मैंने इसमें लिया है ऑलमोस्ट 200 ग्राम मैदा ऑल पर्पज फ्लोर। इसमें हम डालते हैं 1 स्पून मिल्क पाउडर। अब हम इसमें डालते हैं 1 स्पून चिली फ्लेक्स। आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, नहीं है तो भी चलेगा। 1 स्पून ओरिगैनो, 1/2 स्पून थाइम, 1/2 स्पून जिंजर पाउडर और 1/4 स्पून ऑनियन पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब इसमें हम एक्टिवेटेड यीस्ट डाल देंगे। जितना गीला है उतना अच्छे से फूलेगा, तो डोंट वरी। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने इसको 2 आवर्स तक इसको ढक के रखा था। ये आप देख सकते हो, ये अच्छे से रेज हो चुका है। मैं 2 हिस्से बना रही हूँ, रोटी जैसे बेल लेते हैं। मैंने लिया है 50 ग्राम बटर। उसमें मैंने डाला है गार्लिक फाइन चॉप करके एंड कोरिएंडर फाइन चॉप करके। इसमें डालते हैं 1 स्पून ओरिगैनो, 1 स्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लो। आप मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ स्लाइसेस डाल रही हूँ इसमें। और इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ, इसको लॉक कर देती हूँ। और हल्का सा मैं इसको कट लगाऊंगी। इसको मैं बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर कर देती हूँ। वैसे ही मैं और एक बना लूंगी। इसको मैं साइड में रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने दोनों गार्लिक ब्रेड्स को बेकिंग ट्रे में रख दिया है। इसके लिए थोड़ा सा हम पेरी पेरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ अ ऑप्शनल, बट बहुत ही टेस्टी रहता है। चलिए हम इसको बेक करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे। देख सकते हो आप, होममेड चीज़ गार्लिक ब्रेड इज़ रेडी। मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको बस 12 मिनट्स के लिए बेक किया था। बहुत ही टेस्टी बना है, आपको मैं बता देती हूँ इसको। और मैंने इसे कट कर दिया था।
इसको आप मयो या तो कोई भी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हो। चलिए आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।